आपका बीबीए सेकेंड ईयर का आपका थर्ड सेम था जिसमें हम आपका पढ़ते हुए आए हैं आपका कंपनी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल सिक्वेंशियल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में यूनिट में आपका कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, ठीक है, बिल्कुल सर्टेन टॉपिक्स दे रखे हैं और सर्टेन टॉपिक्स के बारे में हम डीपली एलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपका यूनिट थर्ड का पार्ट है, ठीक, इसमें आपका शेयर्स और शेयर्स कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आज मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज शेयर्स और आपका टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है, ठीक है, फिर उन टाइप्स ऑफ शेयर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन हम शेयर कैपिटल के पार्ट पाएंगे कि कितनी तरीके की हमारी शेयर कैपिटल होती है, क्या क्या यूजेस वगैरह होते हैं शेयर कैपिटल के, ठीक है। तो देखिए शेयर्स क्या होते हैं, आपका सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेयर्स की बात, तो शेयर्स होते क्या है, ठीक है। तो शेयर्स क्या है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज शेयर्स, ठीक है। जो कंपनी की कैपिटल है उसे किसमें नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, मतलब उसे डिवाइड कर देते हैं आपके नंबर ऑफ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, किसके लिए, पब्लिक ऑफर के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, शेयर कैपिटल से शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका क्लियरली मेंशन है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज द शेयर्स, ठीक है। एक्चुअल में शेयर्स करते क्या है, शेयर्स जो होते हैं वो आपके रेवेन्यू जनरेशन के, आपके इन्वेस्टमेंट जनरेशन का एक सोर्स होता है कंपनी के पास, जो कंपनी सीधा पब्लिक से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ठीक है। उसे उस इस टर्म में उसे कहीं लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, केवल उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है, और उस बेसिस पे कंपनी अपने रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करती है मार्केट में एज अ प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बेसिस पे कंपनी जो है अपनी कैपिटल के कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स में, और फिर उस नंबर ऑफ शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक से, पब्लिक में इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, जिससे पब्लिक तो इन्वेस्टमेंट अपनी मनी को हमारी कंपनी में करेगी, ठीक है। उस पर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और अगर शेयर होल्डर अपना शेयर्स को बेचना चाहता है तो जो उसके रेट होंगे प्रेजेंट के उन रेट पे वो अपने शेयर्स को बेच सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपनी में से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। वो चीज आती है आपकी शेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन 246 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइंस, इट इज डिफाइंस इट एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेप्ट वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ठीक है। मीन्स क्या है कि जो आपका सेक्शन 246 में कंपनीज एक्ट का वो डिफाइन करता है शेयर्स क्या है, ठीक है। शेयर्स जो है शेयर कैपिटल का एक छोटा पार्ट है जो आपके मनी की टर्म में एज अ इन्वेस्टमेंट जनरल पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स में क्या होते हैं आपके, थ्री टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स और डेफर्ड शेयर्स, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स और डेफर्ड शेयर्स। जनरली हम दो ही तरीके के शेयर्स के बारे में बात करते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स के और दूसरा आपका इक्विटी शेयर्स के बारे में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आता है आपके शेयर कैपिटल, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में आपको जितने भी हमारे पास टाइप्स होंगे शेयर्स के उसके बारे में मैं एलिबरेट करूंगा, ठीक है। हर चीज के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, ठीक है। केवल और केवल मैं इस लेक्चर में आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, हमें आगे हम उसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपकी शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी में राइज इन फ्यूचर इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। द कैपिटल इज फिक्स्ड आफ्टर मेकिंग केयरफुल एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो अमाउंट होती है जो जिससे कंपनी अपना बिजनेस रन करती है, ठीक है। और वो चीज आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होती है कि हमारी कंपनी कितनी अमाउंट से रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। उस अमाउंट का कितना पार्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और कितना पार्ट हमारे पास अभी बचा है, ठीक है। फ्यूचर में अगर हमें उसे चेंज करने की जरूरत है तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, वो सब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट बात आ गए आपके जो शेयर कैपिटल है आपकी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट है आपका ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या है आपकी, इसमें देखिए दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू, ठीक है। मींस क्या है कि जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है किसका, कैपिटल का, जो कंपनी इशू कर सकती है किसके लिए, पब्लिक के लिए, किसके लिए, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपनी में, ठीक है। द कंपनी इन नो केस कैन इशू मोर कैपिटल देन ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम, ठीक है। ये जो आपकी कैपिटल है ये इसमें ऑथराइज होगी आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और कंपनी इससे ज्यादा जो आपका कैपिटल है उसे ऑथराइज करने के लिए, उसे इशू करने के लिए लायबल नहीं होगी और ऐसा वो कभी करेगी भी, ठीक है। केवल और केवल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने दे रखा है, गिवन है, केवल उतना ही अमाउंट वो इशू करेगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल बिकॉज द कंपनी हैज एन अथॉरिटी टू इशू दिस मच कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल टू बी इशूड इन फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। क्या है आपका द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल टू बी इशूड इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका लिमिट कैपिटल है, कैपिटल की जो लिमिट है वो रजिस्टर्ड करी जाती है किसमें, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन में, तो वो जो कैपिटल होती है वो क्या आती है आपकी, क्या रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। व्हाइल ऑल्सो डिसाइडिंग अबाउट ऑथराइज कैपिटल प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंसर्न शुड बी टेकन इन टू कंसीडरेशन, ठीक है। जब भी हम ऑथराइज कैपिटल को डिसाइड करेंगे तो जो हमारी प्रेजेंट नीड है और फ्यूचर नीड हमारी क्या हो सकती है आने वाले 3 साल में 4 साल में, तो उसके बारे में हम कंसिडर करेंगे और उस और जो आपकी ऑथराइज कैपिटल होगी कंपनी की उसके उसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल क्या होती है आपकी, द कंपनी में इशू शेयर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इट मे नॉट नीड द एंटायर कैपिटल एट वन टाइम, ठीक है क्या, तो जो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल है उसका कुछ पार्ट क्या कर रही है, कंपनी इशू कर रही है जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। और जनरल पब्लिक के लिए जो इशू कर रही है वो जो पार्ट आपका रजिस्टर्ड कैपिटल का पार्ट है जो जनरल पब्लिक के लिए इशू किया जा रहा है, ठीक है, वो चीज कहलाती है आपकी इशूड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए जो जनरल पब्लिक है, जो जब इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन सेंड किए हैं, जो उन्होंने सब्सक्राइब की है, इशूड कैपिटल का पार्ट वो चीज आती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल में। नेक्स्ट आता है आपका पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल क्या है आपका, नेक्स्ट है आपकी कॉल्ड ऑफ
नेक्स्ट है आपका क्वांटम कैपिटल, जितनी भी हमारी कैपिटल जो है आपकी इशू जो कैपिटल हमारी सब्सक्राइब हो गई है, ठीक है, उसके बाद कंपनी सारी अमाउंट एक साथ ना मंगा के छोटी छोटी अमाउंट आपकी किसके कॉल्स के थ्रू मंगाती है, ठीक है, जैसे आपने शेयर कैपिटल बढ़ाओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से छोटी छोटी अमाउंट को मंगाया जाता है। तो जो जो अमाउंट के लिए कंपनी कॉल कर रही है वो सारी अमाउंट आती है आपकी किसमें, क्वार्टर कैपिटल में। और लास्ट आता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है कि जितनी अमाउंट पे कर दी है, ठीक है, जितनी अमाउंट कॉल करी थी और जितनी अमाउंट पे हो गई है वो जितनी अमाउंट आपकी पे हो गई है वो अमाउंट आपकी किसमें आती है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है कैपिटल का। कैपिटल जो है आपकी शेयर कैपिटल चार पांच पार्ट में डिवाइड करी है। फर्स्ट है आपका ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल, सेकेंड है आपका सब्सक्राइब कैपिटल, सॉरी सेकेंड है आपका इशूड कैपिटल, थर्ड है आपका सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ है आपका कॉल्ड अप कैपिटल और लास्ट है आपका पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और एक चीज और आती है आपकी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है आपका, अनलिमिटेड कंपनी में एम आर अ पार्ट ऑफ अनकोर कैपिटल एज रिजर्व कैपिटल, ठीक है। जो आपकी लिमिटेड कंपनी है वो कुछ पार्ट जो है क्या करती है उसे अनकोर ही रखती है, कब तक, जब तक उसकी हमें जरूरत ना पड़े, ठीक है। जब उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब हम उसे कॉल करते हैं, तब जो आपकी लिमिटेड कंपनी है वो उसे कॉल करती है, और कॉल से पहले उस मनी को क्या कहते हैं आपका, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपके शेयर कैपिटल ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। शेयर कैपिटल किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं और क्या उसका ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर रेफर टू द इंटेंशनल ट्रांसफर ऑफ टाइटल राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज टू शेयर बाय वन पर्सन टू अनदर, देयर आर टू पार्टीज टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, दैट इज ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ शेयर से क्या मतलब है आपका, ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स जब आप अपने शेयर को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं और उसकी जो ड्यूटी और आपका राइट्स है वो भी उसके साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं उस अमाउंट में, वो चीज क्या होती है आपकी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में काउंट की जाती है, ठीक है। इसमें आपकी दो पार्टीज होती हैं, पहली होती है आपका ट्रांसफर और दूसरा होता है आपका ट्रांसफर, ठीक है। देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ शेयर व्हेन जॉइंट स्टॉक कंपनी आर एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रेट ऑब्जेक्ट वॉज दैट द शेयर शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर, ठीक है। मीन्स क्या है, जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है या कंपनीज जो है वो क्या करती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर करती है किसे, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, मेनली जो हमारी जनरल पब्लिक है जो इंटरेस्टेड है कंपनी की सिक्योरिटीज में अपनी मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में कौन ट्रांसफर हो गया, इस केस में ट्रांसफर हो गया आपकी जनरल, सॉरी इस केस में जो ट्रांसफर हो गया वो आपकी क्या हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं नीड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। नीड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मीन्स के हमें क्या जरूरत पड़ी, इंस्ट्रूमेंट जो आपके शेयर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लियरली डिफाइन है जो आपके शेयर्स हैं, ठीक है, जो आपके शेयर्स हैं उन्हें ट्रांसफर करने के। देखिए फर्स्ट आपका शेयर्स आर मूवेबल गुड्स, द ओनरशिप ऑफ मूवेबल गुड्स मे बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ऑफ पोजिशन बट एज पर सेंशन 36 देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, ठीक है। जो कंपनी है आपकी वो शेयर्स इशू कर रही है और जो शेयर्स हैं वो मूवेबल गुड्स में काउंट हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो ओनरशिप है वो भी क्या है आपकी मूवेबल ओनरशिप है, ठीक है, जो टाइम टू टाइम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन चेंज होती रहती है, ठीक है। यह आता है आपका
इसमें आपका सेक्शन 36 में क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी, जो आपके मेंबर्स हैं, जो शेयर्स होल्डर हैं उनके बीच, और जो कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है कि अगर आपने हमारे इतनी अमाउंट के शेयर्स खरीदे और पर्टिकुलर टाइम में जो आपका इस अमाउंट से आपने शेयर्स खरीदे हैं और आफ्टर सम टाइम पीरियड आपके जो शेयर्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो आपकी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अगर आप उन्हें सेल करेंगे, सेल इन द सेंस कि आप उनके राइट्स एंड ड्यूटीज ट्रांसफर करेंगे किसी अदर पर्सन को, ठीक है, ऐसा नहीं है कंपनी उन्हें वापस परचेज कर लेगी, कंपनी कभी भी अपनी लाइफ में उन्हें वापस परचेज नहीं करती, वो केवल ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, आपके पास है, आपने किसी और को सेल कर दिया प्रॉफिट लेने के बाद, दूसरा है, दूसरा भी उसमें प्रॉफिट लेगा, वो किसी और को जनरेट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, वो सारी चीजें आती है आपकी किसमें, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है आपका, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है आपका किसका ट्रांसफर का वो एग्जीक्यूट होता है दोनों की बीच एग्रीमेंट के, दोनों की कंसेंट से बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। नेक्स्ट आता है आपका इस मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प, ठीक है, ड्यूली स्टैम्प मीन्स के जो कंपनी की स्टैम्प है वो उनपे लगी होती है, लेकिन आजकल क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है ज्यादातर, ठीक है, कोई ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू आपने सेल कर रहा है स्टॉक मार्केट में और वो सारे काम क्या हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कंपनी अलोंग विद सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू शेयर्स ट्रांसफर, ठीक है, कंपनी जो है सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, अगर किसी बैंक के थ्रू आपने कभी शेयर्स खरीदे हो पहले तो क्या होते थे कि कंपनी शेयर्स के सर्टिफिकेट इशू कर देती थी कि आप, और जिससे क्या होता था वो एक लीगल एविडेंस किसके पास रहता था, जो हमारा शेयर होल्डर था उसे पता रहती थी और कंपनी को भी पता रहती थी कि इतनी अमाउंट का शेयर इस डेट को हमने पर्टिकुलर पर्सन के नाम अलॉट किया है। नेक्स्ट आता था मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड प्रेजेंटेड टू बी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, ठीक है, प्रेस्क्राइब फॉर्म होती है जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डिसाइड कर रखी है वो फॉर्म है, ठीक है, और जो शेयर है वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा ही प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, मींस दिया जा रहा है। इसमें आगे देखिए सेक्शन 108 रिक्वायर्स द ट्रांसफर टू बी इन अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नोन एज शेयर ट्रांसफर फॉर्म व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिफोर इट इज साइन एंड फिल्ड बाय द ट्रांसफर, ठीक है, मतलब सेक्शन 108 जो है वो रिक्वायर करवाना है क्या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है शेयर्स को ट्रांसफर करने के, शेयर्स को इशू करने के, वो सारी फुलफिल करना है, ठीक है, और उस सेक्शन के द्वारा ही आपके जो शेयर्स के ट्रांसफर है वो 1% टू अनदर पर्सन हो रहे हैं, ठीक है, और जो आपका रजिस्ट्रार है और जो कंपनी है वो उसपे साइन करके और उसकी नाम का जिस जो पर्सन उसे खरीद रहा है उसके नाम पे उन चीजों को अलॉट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका डीमैट शेयर्स, ठीक है, डीमैट शेयर्स क्या हो गए आपके फ्रेश आईपीओ आ गए, ठीक है, कंपनी कोई भी जब फ्रेश इंस्ट्रूमेंट उतार रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपने डीमैट अकाउंट खोल रखा है तो आप क्या परचेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपने कोई नई कंपनी है आपने उसके आईपीओ परचेस किए, वो सारी चीजें किस बारे में आपकी डीमैट शेयर्स में, इसमें देख लेते हैं फ्रेश इशू आईपीओ द इन्वेस्टर वुड इंडिकेट हिज चॉइस इन द एप्लीकेशन फॉर्म इफ ही ऑप्ट टू होल्ड द सिक्योरिटी इन द डिपॉजिटरी मोड कॉमनली नोन एज डीमैट मोड, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका टाइम लिमिट, ठीक है, सेक्शन 103 क्या है आपकी टाइम लिमिट दे रहा है कंपनी इज रिक्वायर्ड विद इन 2 months आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट ड्यूली ट्रांसफर, ठीक है, कि कंपनी को 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर वो शेयर ट्रांसफर करे या उसने तो 2 महीने के अंदर वो कंपनी क्या करे जो आपके शेयर ट्रांसफर हुए हैं उनके सर्टिफिकेट
ट्रांसफर को प्रोवाइड करवा देना है, ठीक है। फिर आता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर राइट टू ट्रांसफरिंग, फिर आता आपका ब्लैंक ट्रांसफर, राइट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि क्या शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने पार्ट्स में शेयर कैपिटल डिवाइड की जाती है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल क्या है, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इशू क्या है, होल्डअप क्या है, पेडअप क्या है, उस सारी शेयर कैपिटल के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो सारी चीज हम सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और किस सेक्शन में क्या चीज कवर की जाती है, सारी चीज क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही रख रहे हैं और आज का जो सेशन है हम इतना ही रखेंगे और आज का सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ओवरव्यू समझ आया होगा, केवल ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, ओवरव्यू दिया है कि व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर कैपिटल। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इन सब चीजों को डीपली डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं शेयर्स के, उन टाइप्स के भी कितने टाइप्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए हम अपने सेशन को एंड कर रहे हैं, सो थैंक यू फ्रेंड्स।